हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं कि विल लेट पीएम मोदी डू, और ऐसा यूएस ने क्वेश्चन करा है मीडिएशन के लिए रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। कहीं ना कहीं अपेक्षाएं लगाई जा रही हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसमें भारत से निर्भरता दिखाई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं एक मीडिएशन का रोल प्ले करे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया कैन ब्रिज द यूएस रशिया डिवाइड ओवर यूक्रेन। तो साथ साथ में जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें भी भारत एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, और इसके अलावा इवन जो यूएस और रशिया के बीच में जो टेंशन हैं उसको भी दूर करने के लिए भारत कहीं ना कहीं बेहतर रोल निभा सकता है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। और क्यों भारत, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट भी रशिया विजिट पे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से हम समझेंगे कि भारत ही क्यों। तो यहाँ पे चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो को जानने के लिए बस जुड़े रहिए। तो ये तीनों ही ग्रेट लीडर्स अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज के, और इनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से चीजों को लेके चला जा सकता है। फिलहाल के लिए आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर एक साल से ज्यादा कंटिन्यूड है, इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और फर्दर भी आपको वीडियोस देते रहेंगे, जहां पे आपको हम बताए हैं कि कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो साल भर से ऊपर हो चुका है, और इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को आपको मिला है, क्योंकि ये वॉर बेसिकली एक रीजन से चालू हुआ जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों को मिला के जो डॉनबास वाला रीजन है, तो उधर बेसिकली आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया रशिया उसको भी एनेक्स करना चाहता था, और इस वजह से यूक्रेन ने रेजिस्ट किया। वोलोदिमिर जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत साहस दिखाया, अदम्य साहस के साथ में उन्होंने उस चीज को रोकने की कोशिश करी। बाद में वेस्टर्न कंट्रीज भी साथ दिए हैं, यूरोपियन यूनियन, यूएस, और इस वजह से रशिया को वो रोक पा रहे हैं, या यूं कहें तो वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से वॉर अब भी चालू है, जहां मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ना सिर्फ इंसानों का, जानवरों का भी, एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज का भी, और अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये वॉर इंपैक्ट कर रहा है, पॉवर्टी बढ़ा रहा है, हंगर डिप्राइवेशन बढ़ा रहा है, माल नरिशमेंट बढ़ा रहा है, और साथ साथ में हर तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से इस वॉर का हमें सॉल्यूशन देखना होगा, और यहां पे व्लादिमीर पुतिन जी हैं और ये यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और इनको लेकर के जो मतभेद है, तो क्या ये मतभेद दूर हो सकता है, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्यारा भारत महान, और यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया इस तरफ है, रशिया आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है, चाइना आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, और इसके अलावा आप देखोगे तो ये यूएस से है, ठीक है। ये चारों कंट्रीज के रेस्पेक्टिव में हम बात करेंगे, और इनको आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब सीधा का सीधा ये कुछ तबाही जो डिस्ट्रक्शन जारी है वॉर का, उसके तस्वीरें हैं। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं मतलब चीजों को लेकर के किस तरीके से हम निभा सकते हैं उस पे बात करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज न्यू दिल्ली आइडियली सूटेड फॉर दिस रोल, क्यों भारत ही क्यों, क्यों नई दिल्ली ही क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाए कि आजादी के बाद में 1947 भारत जब आजाद होता है, अंग्रेजों का जो 200 साल का हुकूमत होता है जब वो खत्म होता है, उसके बाद में हमने जो पॉलिसी अपनाती है वो हम अपनाते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ठीक है, नैम, हम किसी के तरफ झुकेंगे नहीं, ठीक है। जब कोल्ड वॉर चालू हुआ बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, तो वहां पे क्या था कि आइदर कोई कंट्री यूएस के तरफ में जा रहा था या फिर कोई कंट्री यूएसएसआर के तरफ में जा रहा था, लेकिन इंडिया ने चालू किया नैम मूवमेंट को यूगो स्लोवाकिया से, ठीक है, और वहां से हमने ये पॉलिसी अपनाया कि हम किसी के तरफ भी टिल्ट नहीं रहेंगे, और उस पॉलिसी के साथ साथ में आज नॉन अलाइनमेंट के साथ में मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की जरूरत है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा कहते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, यूनिलैटरलिज्म की नहीं, किसी एक को सेंटर नहीं बनाना है, सुपर पावर कोई एक नहीं होगा, और इस वजह से वो पावर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और इस वजह से न्यू दिल्ली का जो अप्रोच रहा है कोल्ड वॉर के समय में भी और इसके बाद में भी, यहां तक कि वेस्टर्न कंट्रीज बार बार प्रेशर बनाते आए हैं भारत के ऊपर कि कहीं ना कहीं आप रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के रशिया के ऊपर आप, ऑल्दो हमने सैंक्शंस लगाया है, आप यूएन के जनरल असेंबली में तो वोट करने से भी एब्सटेन कर जाते हो, क्रिटिसाइज भी नहीं करते हो, आप उनको क्रिटिसाइज करो ना, आप रशिया को गलत बताओ, और वो चीज अभी तक हमने नहीं किया है। इवन हमने एक वीडियो बनाया है कि रशिया किस तरीके से भारत का मतलब उसको मदद मिल रहा है, क्योंकि भारत इस वक्त सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो हम रशिया से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट टू की डिस्काउंटेड रेट पे हमें रशिया प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को ये चीजें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रशिया के तरफ ही टिल्टेड है, वहीं एक क्वाड समूह है जहां पे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत मिलकर के काम कर रहा है, इंडो पैसिफिक वाले जो रीजन है वहां पे फ्रीडम ऑफ पीस, नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को हम एस्टैब्लिश कर सके, और किसी एक कंट्री का डोमिनेंस ना हो सके। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस होता
है, तो वहां जो आशियान नेशंस है छोटे छोटे, हम उन तक कहीं ना कहीं अपने पहुंच को बढ़ा सके और उनको एक सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 2017 में जो डोकलाम क्राइसिस हुआ था, जहां पे इंडो नेपाल, इंडो भूटान और इंडो बेसिकली चाइना बॉर्डर का जो ट्राई जंक्शन है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन स्नेक जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर भी हमने डिटेल्ड वीडियो किया है कि अरुणाचल को किस तरीके से चाइना जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है। आप इन सारे वीडियोज को जाकर के चेकआउट जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं बेसिकली कि आपको ये चीज समझ आ जाएगा कि भारत किस तरीके से डोकलाम के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब साथ साथ में जो गलवान वैली का क्लैश हुआ, अगेन इंडिया और चाइनीज के सोल्जर्स आपस में भिड़े और दोनों ही देशों के सोल्जर्स हताहत भी हुए, जान भी गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि चाइना को किस तरीके से हमें रोकने की जरूरत है, कर्टेन करने की जरूरत है। और इस वजह से भारत कहीं ना कहीं चाइना के साथ में भी, रशिया के साथ में भी, यूएस के साथ में भी, इवन साउथ कोरिया के साथ में, जापान के साथ में, तो हमारा सारे देशों के साथ में एक अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो इस वजह से भारत को एक रिलायबल पार्टनर माना जा रहा है कि भारत कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा सकता है। और आपको जैसा कि होगा तो इस साल भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, काफी सारे मीटिंग्स हुए हैं और फर्दर अभी मिनिस्टेरियल मीटिंग भी होगा, जहां पे भारत को ये मौका मिला है 75 साल आजादी के पूर्ण होने पे भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके पहले जो इंडोनेशिया में भी हुआ था, तो वहां पे भी प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर पुतिन जी से ये कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे पीस बनाए रखना है, वॉर के लिए ये हम नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके अलावा ये द वायर का आर्टिकल, जहां पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हमारे देश के एस जयशंकर साहब, तो वो कहते हैं कि विश्व गुरु डिप्लोमेसी टू बी टॉट इन यूनिवर्सिटीज, कहीं ना कहीं भारत एक विश्व गुरु बनने के कगार पे भी है। और ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम रशिया यूक्रेन वॉर और साथ साथ में जो यूएस रशिया टेंशन है दोनों ही सुपर पावर्स का, उसको हम रिजोल्व कर सके, ठीक है। और इसके लिए इंडिया से अच्छा कोई आपको कंट्री नहीं मिलेगा। इस वजह से बहुत ज्यादा उम्मीद भारत से लगाया जा रहा है कि भारत इस चीज में कहीं ना कहीं बिल्कुल निकल करके आए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल CNBC का कि चाइना के सी जिनपिंग जो है वो रशिया विजिट पे जाएंगे अगले सप्ताह, ताकि कहीं ना कहीं वो अपना पहला विजिट भी कर सके जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन चालू किया है। एक्चुअली चाइना क्या है कि उन्होंने बास्केट अपना पूरी तरीके से रशिया के हाथों में दे दिया है, क्योंकि वो पब्लिकली क्रिटिसाइज भी किए हैं यूक्रेन को, रशिया के साथ में दिखे हैं, और साथ साथ में यहाँ पे भी उन्होंने जिस तरीके से अपना अनाउंसमेंट किया है, तो ये चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे तो चाइना को लोग, और वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को एक रोल मॉडल मानते भी नहीं है, क्योंकि उनका जो एक्सपेंशनिज्म का पॉलिसी है, उनका जिस तरीके से डोमिनेट करने का टेंडेंसी है, उससे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि चाइना को वो अवसर दिया जाए। भारत के ऊपर वो विश्वास दिखा रहे हैं, तो भारत को ये मौका लेना चाहिए और साथ साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया इसको किस तरीके से ले सकता है, तो हम G20 में रख सकते हैं, SCO में रशिया भी है, चाइना भी ऑल्दो वहां पे है, तो हम वहां पे भी बात कर सकते हैं, जिसका प्रेसिडेंटशिप भारत ही कर रहा है। इसके अलावा हम कोशिश कर सकते हैं कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा टेबल पर रख करके बात करे जा सके, ताकि दोनों देशों को समझाया जा सके कि ये वॉर जो है वो कहीं ना कहीं ईगो के ऊपर मत लेके जाइए, इसको ग्लोबली आप देखिए कि जिस तरीके से हम वासुदेव कुटुंबकम की फिलोसॉफी लेकर के चलते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो पूरी की पूरी दुनिया में कवर होती है, और इस वजह से हमें इस भाईचारे के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और अपकमिंग जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और दो G20 में खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमने कोशिश तो किया लेकिन वैसा कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आया है, तो अभी तक तो शायद नहीं आया है, लेकिन वो जो अभी भी जो अनकवर्ड है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि और हम क्या बेहतर ला सकते हैं। बाकी इस वीडियो से इतना आपको जरूर जानने को मिला होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के लिए भी और रशिया यूएस टेंशन्स के लिए भी इंडिया के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और भारत बखूबी उस चीज को समझ रहा है और अपनी डिप्लोमेसी को स्मार्टली लेकर के वो चलने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हम लगातार एफर्ट्स दे रहे हैं और विश्वास है कि बहुत जल्द हम उस चीज को स्टेबल कर पाएंगे। बाकी के नेक्स्ट कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बाकी वीडियोस को भी शेयर करते रहिएगा, और अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।